हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। और आज जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने इससे पहले की इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। वैसे तो ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में पॉलीगन्स के बारे में बताया था और उसके पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था पॉलीहेड्रॉन्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें प्रिज्म होता है और पिरामिड्स होता है, और मैंने बहुत ही क्लियर आपको वो टॉपिक किया था। और अगर जिन्होंने क्लियर कर लिया है वो टॉपिक को, तो आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं 10.3 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव फोर इट्स फेसेस। अगर क्या हम कोई पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं जिसमें थ्री ट्राइंगल्स हो, ओनली थ्री ट्राइंगल्स, या फोर ट्राइंगल्स हो? आपको आंसर जो देना है वो यस और नो में देना है। तो थ्री ट्राइंगल्स से क्या कोई पॉसिबल है पॉलीहेड्रॉन का बनना? देखिए, मैं आपके पास कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, और देखिए हमारे पास थ्री, इसमें कितने फेसेस हैं, इसके फेसेस देखते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें कितने फेसेस है? 5 फेसेस है। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है हम थ्री फेसेस का, कोई थ्री ट्राइंगल्स का यूज करके कोई पॉलीहेड्रॉन बना ले? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर सपोज यहाँ ट्राइंगल भी होता है, अगर यहाँ तो स्क्वायर है, अगर सपोज मैं इसके प्लेस पर ट्राइंगल लगा दूं, तो आपको एटलीस्ट थ्री फेसेस यहाँ रिक्वायर होते हैं, 3 और 1, 4। तो थ्री फेसेस से तो कोई ट्राइंगल्स, कोई पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता। तो थ्री ट्राइंगल्स का कोई भी पॉलीहेड्रॉन नहीं होता है। एटलीस्ट कितने फेसेस की रिक्वायरमेंट होती है? 4 फेसेस की, और मोर देन 4। 4 के बाद 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कितना चाहिए? एटलीस्ट 4 चाहिए। तो यहां पर 4 ट्राइंगल से हो सकता है, हम कहेंगे यस हो सकता है, 4 ट्राइंगल से पॉलीहेड्रॉन बनाया जा सकता है। और उस पॉलीहेड्रॉन का नाम क्या होगा? उस पॉलीहेड्रॉन का नाम होगा ट्राइंगुलर पिरामिड। उस पॉलीहेड्रॉन का नाम क्या होगा? ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड क्यों होगा? क्योंकि उसका जो बेस होगा, अगर हम वो ट्राइंगल बना देते हैं और उसके साइड पर अगर हम ट्राइंगल्स लगा देंगे, तो थ्री ट्राइंगल साइड में लग जाएंगे, 1 बेस बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? ट्राइंगुलर पिरामिड। आपसे इसमें कहा गया है क्या स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स के बेस पर हम क्या एक पिरामिड बना सकते हैं? तो देखिए, जो फिगर मैंने आपको अभी दिखाई है, ये कैसे बनी हुई है? एक तो स्क्वायर है और 1, 2, 3, 4 4 ट्राइंगल से बनी हुई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे यस, और लिखेंगे स्क्वायर पिरामिड। मैंने आपको बताया था ये जो आपको एक्सरसाइज है वो तभी क्लियर हो पाएगी जब आप इन पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पॉलीहेड्रॉन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था, दिखाए भी थे। तो पॉलीहेड्रॉन के बारे में आप अगर समझ पाते हैं तो ये आपको सब समझ में बहुत ही क्लियर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। क्या कोई पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है अगर कोई भी फेसेस का नंबर दिया हो तो? तो हमने कहा यहां पर, देखिए मैं इसका आंसर क्या लिख रहा हूं, आंसर लिखते ही आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। हमने यहां पर लिखा यस इट इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ फेसेस इज, नंबर ऑफ फेसेस इज 4 और मोर देन 4। आपसे कहा गया है आपके पास कोई भी पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है, अगर आपको सपोज ये कहा जाए कि हमारे पास केवल 2 फेसेस हैं, तो क्या पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं क्या? नो, तब तो नहीं बना सकते।
अगर आपके पास थ्री फेसेस का कोई कहा जाए बना सकते हैं क्या? नो, आप तब भी नहीं बना सकते। एटलीस्ट कितने फेसेस की रिक्वायरमेंट होती है? एटलीस्ट फोर फेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने यहाँ पर जो आंसर लिखा है, हमने कहा पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल तो है लेकिन हमें एटलीस्ट फोर फेसेस की रिक्वायरमेंट है या उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? फोर होने चाहिए। तो आंसर आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। यस, इट इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ फेसेस गिवन, नंबर ऑफ फेसेस इज गिवन फोर और मोर देन फोर। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर टू तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास कुछ फिगर्स दी गई हैं, उसमें पूछा गया है विच आर प्रिज्म अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रिज्म है, और प्रिज्म नहीं होगा तो डेफिनेटली वो पिरामिड होगा। तो आपको देखना है, आपको पहचानना है। मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्रिज्म, सबसे पहले प्रिज्म समझ लेते हैं। प्रिज्म में क्या होता है कि जो बेस होता है और उसका टॉप होता है वो सेम होता है। देखिए यहां पर हेक्सागन आपको बेस दिया गया है, हेक्सागन ही इसका टॉप है, इसका मतलब ये प्रिज्म है। और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है, प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है उसको भी समझ लेते हैं। जो पिरामिड होता है उसका बेस ट्राइंगल हो सकता है या कोई भी पॉलीगन हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इसमें अदर जो फेसेस होते हैं वो ट्राइंगल्स ही होते हैं और वो सभी एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। इसका मतलब इसका बेस और इसका टॉप सेम नहीं होता। तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, प्रिज्म और पिरामिड पर डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें देखने से पता चल रहा है यहाँ का जो बेस है, यहाँ पर ये नेल है, नेल को हम कील कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रिज्म की शेप बन रही है या पिरामिड की? तो डेफिनेटली ये प्रिज्म तो नहीं है। क्यों नहीं है प्रिज्म? क्योंकि यहाँ पर बेस और टॉप इसका सेम नहीं है, तो हम कहेंगे ये प्रिज्म नहीं है। अब इसको देखते हैं, अनशार्प्ड पेंसिल, इसको हमने नो लिख दिया। सेकेंड, यहां पर हमारे पास एक अनशार्प्ड पेंसिल, आप पेंसिल आते हैं मार्केट से, जब उसे शार्प नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका बेस है और जो टॉप है वो सेम होता है। और मैंने बताया था जब भी बेस हो और बेस हो जो उसका टॉप होता है वो सेम होता है तो वो एक प्रिज्म होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका यस आएगा। फिर इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी आपके पास बहुत ही क्लियर फिगर दिख रही है, और ये फिगर जो है ये सेम टू सेम यही फिगर है जो मेरे पास है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिगर क्या है, बेस इसका स्क्वायर है और ऊपर इसके सभी पॉइंट्स एक पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसके फेसेस। तो इसका मतलब ये तो स्क्वायर पिरामिड है, तो ये तो प्रिज्म नहीं है। तो इसका आंसर हमारा नो आएगा। और उसके बाद जो हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे आप चौक बॉक्स होता है हमारे स्कूल्स में आप देखते होंगे, जनरली हमारे घरों में भी इस तरह के बहुत बॉक्स मिल जाते हैं। और ये बॉक्स का एक एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका बेस और इसका टॉप जो है वो सेम टू सेम है, इसका मतलब ये तो प्रिज्म का एग्जाम्पल है, ये तो पिरामिड नहीं है। अब देखिए प्रिज्म का एग्जाम्पल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं, लेकिन हम इसका एक अनदर नेम भी बोलते हैं, वो नेम भी आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर में आप उस नेम को यूज करेंगे, इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, क्लियर। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका बेस भी स्क्वायर है, इसका टॉप भी स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं। लेकिन इसका एक अनदर नेम भी है, वो नेम क्या है, क्यूबॉइड, जो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत कम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर भी यस आ गया। तो हमारे पास कौन कौन से प्रिज्म है, तो हम कहेंगे पार्ट टू एंड पार्ट फोर आर प्रिज्म। तो ये हमारा पार्ट भी, ये क्वेश्चन नंबर थ्री भी यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास दिया है हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। इसका मतलब ये है कि एक प्रिज्म और सिलेंडर एक दूसरे के इक्वल कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे के सेम कैसे हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। तो आप एक बात ध्यान से समझिए कि जैसे हम इसकी जो हमारे पास ये क्या है, एक प्रिज्म है,
और प्रिज्म को अगर मुझे सिलेंडर बनाना हो तो कैसे बन सकता है? वो प्रिज्म सिलेंडर तब बन सकता है जैसे यहां पर ये हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। मैं इसकी साइड्स को बढ़ाता जाऊं, जो इसके बेसिस की साइड्स है, जो बेसिस की साइड्स है, अगर मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, ये राउंड शेप में आना शुरू कर देगा और इससे क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा। आपको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, केवल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाएगा या क्वेश्चन या नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल समझना है कि अगर मैं इसके नंबर ऑफ फेसेस को, नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा दूंगा तो इट मींस ये भी ऑटोमेटिकली भर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, तो फिर ये क्या लगेगा आपको, ये एक सिलेंडर की तरह लगेगा। इसी तरह से तो यहां पर मैंने लिखा है इसका आंसर, ए प्रिज्म बिकम्स ए सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेसेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, आपसे कहा गया हाउ आर पिरामिड एंड कौन से अलाइक, एक पिरामिड और कौन कैसे एक दूसरे के अलाइक, एक दूसरे के सेम हो सकते हैं। तो हमने यहां पर एक एग्जाम्पल और ले लिया है। अब देखिए यहां पर इसका जो बेस है वो पेंटागन है, जो इसका बेस दिख रहा है आपको पेंटागन दिख रहा है। अगर हम इसको और थोड़ी साइड बढ़ाना शुरू कर दें, इसको हेक्सागन कर दें और फिर हेक्सागन से फिर ऑक्टागन कर दें, फिर डेकागन कर दें और फिर उसकी साइड 15 कर दें, 20 कर दें, जैसे जैसे हम इसकी साइड्स को बढ़ाते जाएंगे ये क्या लगने लगेगा, ये कोन की शेप में लगने लगेगा। कोन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोन क्या होता है, जैसे बर्थडे कैप होता है, कोन आइसक्रीम होती है, उसी तरह से ये लगने लगेगा। तो आपसे कहा गया है एक पिरामिड को हम कोन बना सकते हैं अगर हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा दें। तो आपके पास यहां पर मैंने आंसर लिख दिया है जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ए पिरामिड बिकम्स ए कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेसेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर टू फिगर्स दी गई हैं और उसमें कहा गया आप यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कोई भी पॉलीहेड्रॉन हो, चाहे वो पिरामिड हो या प्रिज्म हो, वहां पर यूलर्स फॉर्मूला तो अप्लाई होता ही है, और अगर किसी में यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तो वो प्रिज्म या पिरामिड पॉसिबल ही नहीं है, पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हमने देखा ये जो हमारे पास फिगर दी हुई है, यहां पर 1 2 3 4 5 फाइव साइड्स हैं, तो फाइव साइड्स ऊपर भी हैं और फाइव साइड्स नीचे भी होंगी, तो इसका मतलब ये कौन सी फिगर हो गई, ये पेंटागन प्रिज्म की फिगर हो गई। और पेंटागन प्रिज्म में 1 एंड 2 इसके नंबर ऑफ फेसेस अगर हम काउंट करें तो 1 फेस नीचे का, 1 फेस ऊपर का, तो 2 फेस हो गए, और 5 फेस साइड के, तो इसका मतलब टोटल फेसेस कितने हो गए, टोटल फेसेस 7 हो गए। अब इसके वर्टेक्स को देखते हैं, वर्टेक्स कितनी है, वर्टेक्स आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 ऊपर वर्टेक्स है और 5 नीचे वर्टेक्स है, तो टोटल वर्टेक्स कितनी हो गई इसकी, टोटल वर्टेक्स हो गई 10। अब एजेस को काउंट करते हैं, एजेस 5 एजेस ऊपर है, 5 एजेस नीचे होंगी, तो 5 और 5 कितना होता है 10, और 5 एजेस साइड की होंगी, तो ये टोटल एजेस कितनी हो गई 15। अब देखते हैं इसमें यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, यूलर्स फॉर्मूला है क्या, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इसमें दिया हुआ है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, अगर एफ प्लस वी की वैल्यू ई प्लस टू के इक्वल होती है तो इसका मतलब यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम देखते हैं फेसेस के प्लेस पर 7 रख दिया और वर्टेक्स के प्लेस पर 10 और एजेस के प्लेस पर 15 रख दिया, और 2 तो हमारे फॉर्मूले में दिया हुआ है। हमने देखा 10 और 7 हो जाता है 17 और 15 और 2 हो जाता है 17, तो हम यहां पे कह सकते हैं वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड फिगर में आपके पास क्या दिया हुआ है। सेकंड फिगर में आपके पास एक फिगर दी गई है जिसमें जो बेस है वहां पर प्रिज्म दिया गया है, ऊपर इसके पिरामिड दिया गया है, तो इसको हम पॉलीहेड्रॉन ही कहेंगे। और इसमें देखते हैं फेसेस कितने हैं। देखिए फेसेस अगर मैं इसको काउंट करूं तो नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, 1 फेस, 4 फेसेस साइड के होंगे तो 1 और 4 5 हो जाता है, और 4 ऊपर के होंगे तो 4 और 4 8 और 1 9 फेसेस होंगे। आप काउंट कर सकते हैं, अपने आप इसे काउंट करके देखिएगा। इसके बाद इसकी वर्टेक्स देखते हैं, वर्टेक्स देखिए 1 2 3 4, 4 नीचे की वर्टेक्स है, 4 ऊपर की वर्टेक्स है, 1 ऊपर की वर्टेक्स है, तो इसकी वर्टेक्स हो जानी चाहिए 9। आप काउंट कर लीजिए, 4 तो इसके बेस की हो गई, 4 यहां की हो गई, 4 और 4 8, और 1 ऊपर की हो गई, तो 9 वर्टेक्स हो गई। आपको पता होना चाहिए वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर,
ये जो है वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, आपको समझ में आ गया होगा वर्टेक्स क्या होती है। अब देखते हैं एजेस क्या होती है, एजेस होती है इसकी साइड्स। तो देखिए यहाँ पर फोर साइड्स नीचे, फोर साइड्स ऊपर, और फोर और फोर एट, और फोर आपके राउंड पार्ट पर, तो फोर और फोर एट, और फोर थ्री जो 12, और फोर ऊपर, फोर फोर जो 16 हो गई। तो अब हम इसमें देखते हैं यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं। यूलर्स फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस टू, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो f के प्लेस पर आपने क्या रखा है 9, v के प्लेस पर भी 9, और e के प्लेस पर 16, और 2 तो फॉर्मूले में है, 9 और 9 हो जाता है 18, ये भी हो जाता है 18, तो इसका मतलब दोनों सेम आ गए, तो ये हो गया वेरीफाइड। तो आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर मिल सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। यहाँ पर आपसे, आपके पास एक टेबल दी गई है और आपसे कहा गया है कि यूलर्स फॉर्मूले को यूज करके आप इसमें जो वैल्यू है, जो अननोन वैल्यू है, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, आप उसको फाइंड कीजिए। नंबर ऑफ फेसेस आपके पास नहीं पता है, वर्टेक्स आपके पास 6 दी गई है, एजेस आपके पास 12 है। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझना है, आपको वर्टिकली क्वेश्चन देखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं देखना, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर रहे हैं, उसको सेपरेटली कर रहे हैं और यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला कर रहे हैं। यूलर्स फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए, वो होता बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फेसेस नहीं दिए गए, तो फेस के प्लेस पर आपने एफ ही रखा है, वर्टेक्स आपके पास 6 दी गई, आपने उसके प्लेस पर 6 रख दिया, एजेस के प्लेस पर 12 रख दिया, और 2 के प्लेस पर 2 रख दिया। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12 और 2 14, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा f प्लस 6 इज इक्वल टू 14, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 6, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 8। यहां पर जो आपके पास जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था वहां पर आपको रखना है 8। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल, आपके पास फेसेस 5 गिवन है, वर्टेक्स नहीं गिवन है, और एजेस आपके पास 9 है, तो आपको वर्टेक्स फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपके पास बहुत सिंपल है, एफ प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस टू, और जो वैल्यू आपके पास दी गई है आप उसी के प्लेस पर उसी की वैल्यू आपको रखनी है। फेसेज आपको पता है 5 है, वर्टेक्स नहीं पता, तो वर्टेक्स के प्लेस पर आपको केवल बी ही रखना है, और एजेस के प्लेस पर 9 रखना है, और 2 के प्लेस पर तो 2 रखना है। आपको यहाँ पर 5 प्लस बी इज इक्वल टू 9 और 2 होता है 11। आपको फाइंड करनी है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगी, वो आ जाएगी 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था उसके प्लेस पर हम रख सकते हैं 6। सिमिलरली आपके पास एक क्वेश्चन है जो लास्ट है, उसमें कहा गया था फेसेस 20 है और वर्टेक्स 12 है, एजेस फाइंड कीजिए। तो हमने क्या किया, फेसेस के प्लेस पर 20 रख दिया, वर्टेक्स के प्लेस पर 12 रख दिया, और एजेस के प्लेस पर आपको नहीं पता, तो आपने 20 और 12 किया तो ये हो जाता है 32। और आप क्या करेंगे, इस 2 को जब साइड चेंज करके एक बार पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर आप क्या करेंगे जब इस 2 को साइड चेंज करके लाएंगे तो वो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाती है, तो आप लिखेंगे 32 माइनस 2 इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आई होप। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है 30। ये जो सारे पार्ट है आपने कौन से फॉर्मूले से किया है, यूलर्स फॉर्मूला, जो सभी पॉलीहेड्रॉन में एप्लीकेबल होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का, और आपके चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टेक्स। क्या आपसे पूछा गया है कि अगर किसी पॉलीहेड्रॉन के क्या 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टेक्स हो सकते हैं, तो हमने कहा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा फॉर्मूला जरूर बता सकता है। अगर हमारे फॉर्मूले में ये वैल्यू अप्लाई हो जाती है तो डेफिनेटली ये पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है, अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई नहीं हो पाती तो ये पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है।
तो हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला, उसके थ्रू हम चेक करके बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आपके पास फेसेस गिवन है 10, तो आपने क्या किया, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फॉर्मूला रखा सबसे पहले, फेसेस आपको 10 गिवन है, ठीक है, हमने 10 रख दिया। वर्टेक्स आपके पास 15 गिवन है, आपने 15 रख दी। एजेस के प्लेस पर आपने 20 गिवन है, 20 रख दिया, और 2 के प्लेस पर 2 रख दिया। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, 15 को 10 ऐड किया तो आपके पास 25 आ गया, और 20 में 2 ऐड किया तो 22 आ गया। आपने देखा ये दोनों वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है, अगर वैल्यू सेम आ जाती तो हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता, लेकिन यहां पर तो वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इट मींस ये आपका वेरीफाई नहीं हो पाया। तो हम यहां पे कहेंगे नो पॉलीहेड्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से करें, और मैं समझता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ पर चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर की जो वीडियो है, लास्ट वीडियो जो इससे पहले की है, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो देखते हैं तो ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। और मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपने किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जैसी वीडियो भी अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।